और दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। आज आपके सामने लाए हैं टोयोटा की प्रियस, जो कि हाल ही में इंटरनेशनल मार्केट में लॉन्च हो गई है। अब ये गाड़ी इंडिया में भी धूम मचाने आ रही है। देखते हैं इसके क्या क्या फीचर्स हैं, क्या क्या देखते हैं इसमें, क्या क्या मिल रहा है, क्या क्या नहीं मिल रहा है। आपके सामने पूरी गाड़ी की फुल्ली डिटेल आपको बताते हैं। चलिए शुरू करते हैं। गाड़ी में आप जैसा देख रहे हैं, फ्रंट में ब्रेक ग्रिल आपको मिल जाती है, जो कि बहुत ही अच्छी देखने में लग रही है। और आपको इसमें फ्रंट में डे टाइम रनिंग एलईडी लैंप देखने को मिल जाएंगे। इसमें आपको ऑटोमेटिक मिरर देखने को मिल जाएंगे विद टर्निंग लैंप के साथ। साथ में इसमें आपको राउंड एलईडी फॉग लैंप देखने को मिल जाएगी, जो कि बहुत ही अच्छी लग रही है देखने में। और इसमें आपको इस गाड़ी में आपको डुअल टोन कलर मिलेगा। साइड की बात की जाए तो साइड से गाड़ी देखने में बहुत ही अच्छी लगती है। साइड में कर्वी लुक दिया हुआ है, तो ये गाड़ी बहुत ही स्पोर्टी देखने में लगती है। टायर की बात करते हैं तो इसमें 17 इंच के एलॉय व्हील आपको मिलते हैं, जो कि ब्लैक एलॉय व्हील रहेंगे डायमंड कट के साथ, आपको देखने को मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसके बैक लुक के बारे में। तो बैक लुक में देखा जाए तो इसमें पीछे आपको ब्राइट एलईडी रियर कॉम्बी लैंप आपको देखने को मिलेंगी, जो कि बहुत ही अच्छी देखने को में लग रही है। और ये फुल्ली एलईडी लाइट्स होंगी। साथ ही अगर इसके बूट स्पेस की बात करते हैं तो इसमें बूट स्पेस आपको 390 लीटर स्पेस के साथ मिलता है। ये बूट स्पेस अपनी सेगमेंट की गाड़ी में बहुत ही बड़ा बूट स्पेस है। आप इस गाड़ी को कहीं भी ले जा सकते हैं, अच्छा खासा सामान आ सकता है इस गाड़ी में आपका, और आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी। ये 5 सीटर गाड़ी कही जा रही है और इसमें बहुत ही अच्छा बूट स्पेस दिया हुआ है, जैसा कि आप देख रहे हैं। साथ में ही इसमें रियर कैमरा विद सेंसर मिलता है, डिफॉगर आपको देखने को मिलता है और साफ फिन एंटीना देखने को मिलता है। साथ ही इस गाड़ी के इंटीरियर की बात करते हैं तो इंटीरियर में आपको डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा देखने में लगता है। फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है। 9 इंच का इस टच स्क्रीन दिया हुआ है, जो कि रन करता है एंड्रॉयड एप्पर कारप्ले दोनों में। साथ ही इसमें स्टेयरिंग कंट्रोल मिलती है, टिल्ट स्टेयरिंग आपको मिलती है देखने में, और ऑटोमेटिक सीट एडजस्टमेंट सिस्टम भी आपको देखने को मिल जाता है। फ्रंट में आर्मरेस्ट देखने को मिल सकता है। साथ ही बताया जा रहा है ये गाड़ी ऑटोमेटिक और मैनुअल दोनों में आपको देखने को मिल जाएगी। इस गाड़ी में जो क्लस्टर लगा हुआ है, वो इसमें 2 कलर का यूज किया गया है। एक तो फुल्ली ब्लैक सीट इसमें आपको देखने को मिलती है विद लिटिल रेड के साथ आपको देखने को मिल सकती है। और अगर पीछे की बात करते हैं तो पीछे हेड स्पेस काफी अच्छा इसमें दिया हुआ है, काफी अच्छा लेग स्पेस दिया हुआ है। साथ ही इसमें फ्रंट के साथ साथ आपको बैक में भी हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं। और इसके इंजन की बात करी जाए तो इसमें 1.0 लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन लगा हुआ है, जो कि पावर 98 पीएस ही देता है और टॉर्क 140 एनएम का मिलता है। अगर हम साथ में ही टोयोटा अपनी सेफ्टी के लिए ज्यादा जानी जाती है, तो साथ में ही इसमें सेफ्टी की बात करते हैं तो इसमें सेफ्टी के लिहाज से इसमें पैरानोमिक पार्किंग कैमरा लगा हुआ है, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग लगा हुआ है एंड डुअल फ्रंट एयरबैग्स आपको इसमें मिलते हैं। अब इसमें मॉडल कई आपको लॉन्च होंगे, तो उस हिसाब से आपको एयरबैग देखने को मिल सकते हैं। अगर बात करी जाए इसमें कंपटीशन के बाद, तो ये गाड़ी आपकी कंपटीशन अच्छा खासा देगी विटारा ब्रेजा को, हुंडई वेन्यू को, टाटा नेक्सॉन को देगी और महिंद्रा एक्सयूवी 300 को देगी। साथ ही कंपनी के द्वारा बताया जा रहा है कि ये गाड़ी आपको दिवाली तक देखने को मिल सकती है और इसके सितंबर से आप बुकिंग भी करवा सकते हैं। हमारी जानकारी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।